हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है कोरोना प्रतिरोध मॉडल से संबंधित। अभी आपके जितने भी आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कोरोना पर ही आधारित लिखे जा रहे हैं, तो ये भी आपका कोरोना प्रतिरोध मॉडल पर आधारित है, जो आपका आगरा मॉडल है। इस तरह के जो मॉडल हैं उन्हीं की चर्चा की गई, भीलवाड़ा मॉडल हो गया, इन्हें देखते हैं। चलिए ठीक है, आगरा, भीलवाड़ा और पठान मथिटा जिलों में शुरुआती मामलों के बाद संबंधित राज्य और जिला प्रशासन ने उन भौगोलिक क्षेत्रों में प्रकोप को रोकने के लिए कड़ी मेहनत की, वो मेहनत भी उनकी काम आई है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आगरा मॉडल की। आगरा मॉडल मार्च के शुरू में आरंभ हुआ। दो व्यक्ति जिन्होंने एक रिश्तेदार के साथ ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी, बाद में दिल्ली का पहला कोविड-19 मामला आगरा के लिए घर चला गया, जहां कुछ दिनों के बाद 6 सकारात्मक मामले यानी कि कोरोना पॉजिटिव मामले पाए गए। जिला प्रशासन और एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम कर्मियों द्वारा किए गए संपर्कों के लिए स्थानीय के अभी तक व्यापक रूप से तलाशी अभियान चलाया गया था। आगरा के लोहा मंडी में 3 किलोमीटर के दायरे में एक भीड़भाड़ वाला क्षेत्र, जिसे 2 बजे सकारात्मक रिपोर्ट आने के तुरंत बाद बंद कर दिया गया, और 1248 टीमों ने 1,65,000 से अधिक घरों में सघन संपर्क किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि राज्य, जिला प्रशासन और सीमावर्ती कर्मचारियों ने अपने मौजूदा स्मार्ट सिटी को कमांड और कंट्रोल सेंटर के साथ वार रूम के रूप में उपयोग करके अपने प्रयासों का समन्वय किया। क्लस्टर रोकथाम और प्रकोप रोकथाम योजनाओं के तहत जिला प्रशासन ने महामारी की पहचान की और नक्शे पर सकारात्मक पुष्टि वाले मामलों के प्रभाव को कम किया, और जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई सूक्ष्म योजना के अनुसार एक विशेष कार्यबल तैनात किया गया। हॉटस्पॉट को एक सक्रिय सर्वेक्षण और रोकथाम योजना के माध्यम से प्रबंधित किया गया था। क्षेत्र की पहचान उपकेंद्र से 3 किलोमीटर के दायरे में की गई थी, जबकि 5 किलोमीटर बफर जोन की पहचान क्षेत्र के रूप में की गई थी। नियंत्रण क्षेत्र में शहरी प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्रों को रोपित किया गया था। 1248 टीमों में से प्रत्येक में 2 कर्मचारी थे। प्रत्येक टीम में कितने कर्मचारी थे? 2, जिनमें ANM, आशा, AWW शामिल थे, जो घरेलू स्क्रीनिंग के माध्यम से 9.3 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की गई। इसके अतिरिक्त पहले संपर्क ट्रेसिंग का प्रभावी और प्रारंभिक टैकिंग पूरी तरह से मैप किया गया था। आगरा मॉडल महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उच्च घनत्व के क्षेत्रों में प्रभावी साबित हुआ, जिन्हें हॉटस्पॉट कहा जा रहा है। आधिकारिक बयान में आगरा सामुदायिक प्रसारण का सबसे पहला उदाहरण था। सामुदायिक संचरण तब होता है जब ऐसे मामलों का पता लगना शुरू हो जाता है, जहाँ किसी प्रभावित देश में यात्रा के इतिहास की स्पष्ट संकेत मिलते हैं या एक पुष्टि किए गए सकारात्मक मामले के साथ संपर्क होता है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जैसे विशेषज्ञ अब हॉटस्पॉट्स में स्थानीय के सामुदायिक प्रसारण के बारे में बात कर रहे हैं। बात करते हैं दूसरा आपका मॉडल है भीलवाड़ा मॉडल। राजस्थान का भीलवाड़ा कोविड-19 का आरंभिक यानी कि प्रारंभिक केंद्र था। यहाँ के प्रशासन ने नियंत्रण रणनीति का प्रयोग किया, जिसे भीलवाड़ा मॉडल भी कहा जा रहा है। जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा 26 मार्च की रिपोर्ट के अनुसार 19 मार्च को भीलवाड़ा में पहला कोरोना मामला एक निजी अस्पताल में एक डॉक्टर था। 26 मार्च तक अस्पताल में सकारात्मक मामलों की संख्या 17 थी, उनमें से
सभी अस्पताल के कर्मचारी और रोगी थे। प्रकोप राजस्थान सरकार के लिए एक बड़े संकट के रूप में उभरा, क्योंकि डॉक्टरों ने सकारात्मक परीक्षण करने से पहले नर्सिंग स्टाफ और रोगियों सहित कई लोगों के साथ संवाद किया था। धारा 144 CRPC लागू होने के साथ शहर पूरी तरह से आइसोलेट हो गया। पहले चरण में आवश्यक सेवाओं की अनुमति दी गई थी, दूसरे चरण में शहर और जिलों की सीमाओं को बंद कर दिया गया और हर प्रवेश और निकास बिंदु पर चेक पोस्ट स्थापित किए गए। सभी ट्रेनें, बसों और कारों को रोक दिया गया। पड़ोसी जिलों के जिलाधिकारियों को भी अपनी सीमा को सील करने के लिए कहा गया था। नियंत्रण क्षेत्र आमतौर पर ऊपरी कैंट के आसपास 3 किलोमीटर और बफर क्षेत्र 7 किलोमीटर स्थापित किया गया। कंटेंट और बफर जोन को मूव नो मूवमेंट जोन में बदल दिया गया और COVID-19 मामलों के लिए क्लस्टर मैपिंग की गई। इसके माध्यम से 6 क्षेत्रों की पहचान की गई और संदिग्ध मामलों की निरंतर जांच के लिए विशेष टीमों को तैनात किया गया। नियंत्रण और बफर जोन सभी एम्बुलेंस और पुलिस वाहन, स्कैनिंग सेंटर और संगरोध केंद्र, कलेक्ट्रेट पुलिस लाइन और अन्य सार्वजनिक विभाग कार्यालयों को दैनिक आधार पर कीटाणु रहित किया गया। अंतिम गणना में भीलवाड़ा में 3,072 टीमों ने 2,14,647 घरों का सर्वेक्षण किया था, जिसमें आपके 10,71,315 लोग शामिल थे और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के 4,258 मामले पाए गए, जिन्हें COVID-19 के लिए परीक्षण किया जाना था। 4 निजी अस्पतालों को 25 अलग अलग बेड के साथ अधिग्रहित किया गया था। 1,541 कमरों के साथ 27 होटलों में केंद्र स्थापित किए गए थे, जिसमें अंततः 950 लोगों को क्वारंटाइन रखा गया था, जबकि 7,620 लोगों को घर में ही क्वारंटाइन में रखा गया था। आवश्यक किराने, फल, सब्जियों और दूध की डोर टू डोर आपूर्ति थी। कच्चे और पके हुए खाने के पैकेट जरूरतमंदों को बांटे गए। उद्योगों और कारखानों और ईंट भट्टों के मजदूरों हेतु पूर्ण व्यवस्था थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में भीलवाड़ा में लगभग आपके 28 मामले हैं। फिर आता है आपका पठान मथिटा मॉडल। प्रौद्योगिकी केरल में पथानामथिट्टा मॉडल की पहचान रही है। इस जिले में मार्च के प्रारंभ में अपने पहले मामलों को देखा, जब इटली के एक 3 सदस्यीय परिवार ने कई रिश्तेदारों को संक्रमित किया। सीमा सील और संपर्क अनुरेखण भी यहाँ हुआ, लेकिन केवल स्क्रीनिंग संपर्कों से अधिक। जिले में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जांच की गई और एक डेटाबेस बनाया गया, ताकि वे आसानी से कम सूचना पर पहुंच सकें। इसके अतिरिक्त कोरोना सकारात्मक मामलों की यात्रा मार्ग को दिखाते हुए ग्राफिक्स बनाए गए और प्रचारित भी किए गए। इसमें उन सभी स्थानों का विवरण शामिल था जिसमें परिवार ने यात्रा की थी और उन्होंने 29 फरवरी से 6 मार्च के बीच संभावित संपर्क बनाए थे। जब लोगों को मार्ग के नक्शे से पता चला तो वे वास्तव में एक COVID COVID-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए, तो कई लोग स्कैनिंग या इलाज के लिए चले गए। क्वारंटाइन के तहत प्रतिदिन पूरी तरह से जांच की जाती थी, यहां तक कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की 14 टीमों ने 4,000 लोगों की निगरानी की, जिन्होंने इसकी सीलिंग से पहले जिले में प्रवेश किया था। IHRD कॉलेज चेंगतूर के इंजीनियरिंग छात्रों द्वारा डिजाइन किया गया एक कोरोना RM भी प्रयुक्त किया गया। होम क्वारंटाइन के अंतर्गत आने वालों पर इस ऐप के जरिए नजर रखी गई।
जिससे उनके ठिकाने पर नजर रखी जा सकती है, और आगे अगर उन्होंने क्वारंटाइन को तोड़ा है तो जीपीएस के प्रयोग से इसका तुरंत पता लगाया जा सकता है। इन सब के प्रभाव से केरल में पिछले दिनों में नए मामलों की वृद्धि धीमी हो गई। आगे की राय क्या हो सकती है? इन तीनों स्थानों प्रशासन द्वारा जनता, तकनीकी और स्वयं आदि के सहयोग से कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण प्राप्त किया है। इन्हीं मॉडल्स को प्रयोग में लाकर हॉटस्पॉट क्षेत्रों तथा अन्य स्थानों को कोरोना संक्रमण से बचाव करना चाहिए। याद रखिए, हमें चाणक्य ने, आपने सुना होगा, चाणक्य ने बहुत अच्छी बात कही थी कि व्यक्ति हमेशा दूसरी गलतियों से सीख ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर अपने ऊपर वो गलतियाँ सीखता है अपनी गलतियों से, तो उसकी में उम्र कम पड़ जाएगी। तो दूसरे की गलती कर रहा है तो उसे हमें सीख ले लेनी चाहिए। तो इनसे हमें, जितने भी हैं, आगरा मॉडल है, फिर चाहे आपका भीलवाड़ा मॉडल हो, इनसे हमें सीख ले लेना चाहिए, ठीक है? और याद रखिए, अगर शुरू में ही व्यवस्था ठीक हो जाती है, चाइना, अमेरिका, इटली सब जगह फैल चुका था, उस समय किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, उन्हीं गलतियों का आज भुगतान करना पड़ रहा है, भुगतनी पड़ रही, ठीक? तो चलिए, जो है अच्छा है, कुछ दिन और, 3 मई तक बढ़ गया है, तब तक इंतजार करिए, देखते हैं क्या होता है, ठीक है?